हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम आदाब, नमस्कार जी सारिआं नूं। पिंड पंजाब चैनल तुहाडा स्वागत है। होर सुनाओ जी, की हाल चाल? ठंड तों बचे हुए वधिया? अज तरीक हो गई जी 11 जनवरी, पर तुहाडे तक हो सकदा है ब्लॉग लेट हो जी, बहुत पहुंचदा। ते अज ठंड बहुत ज्यादा है, ते पहले दिन ठंड पई है इस साल दी। ऐतकी 2 दिन पहला पई सी, ओह ठंड पई सी, साडी मीटिंग सी उस दिन, मैं लगता है 16-17 दसंबर नूं ठंड पई सी। उस तों बाद बिलकुल भी नहीं पई, महीना होण वाला हो गया, बहुत सोहणे दिन लगे ने, पर ठंड पऊगी जरूर, चाहे गेती पवे चाहे पछेती, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है, वह पैंदी जरूर होंगी है। तो जिहड़ा हुण टाइम है जी, बज गए ने 5:45 का टाइम है, तो इस पर रोटी बना रहे हैं, क्योंकि अज दुपहरे खाधी नहीं हैगी किसी ने भी रोटी, जी नहीं कर रहा, चाह ना ना मूंगफली गुआ गुआ जहाँ गुआ खा लिया दोपहरे, बस चाह ना मूंगफली खा ली, कुछ होर खा लिया है, हेल्प हुई कि पैसे वो खा ली। तो हूँ आप रोटी बना के खा लें, भैन लगे दुध पी लेंगे। मैं बना रही हूँ रोटी, तो इधर मनवीर ना फ्राइड राइस बनाऊगी, तो फ्राइड राइस की रैसिपी भी मिल जूगी भी किस तरह बनते हैं, तो इस करके वीडियो में एंड तक जरूर देखो ब्लॉग में। इन्हू फ्राइड राइस पसंद ने। एक गल होर भी वधिया, जिन्होंने रोटी खानी हो रोटी खा लो, जो ठहर के जो भुख जी लगू 8 बजे गर्म करके चौल खा लेने जी, पर हम भुख लगी हुई सी, जी करता से रोटी वेट नहीं कर सके, इस करके रोटी बना के खा लेने भी। चलो तापुर फिर कड़ लागे, हूँ है नहीं ज्यादा काम भी कोई मजा आता है ना, तो सन्नी करके मैं गोहा चकता से कोठा जरा है, मास्टर जी हम पानी पिला लेंगे, एक मज की हुई धार हैगी, बस वह आप चो लागे। एक डंगर सवेर का दुध असी रख लें, जो शाम वाला डंगर दुध है तो करके लै लेते हैं, ज्यादा दुध अपने की है। सब्जी गर्म हो गई, बोल मार रोटी खा लेने मेरी कमरे, मैं डैडी को बोल मार, पाला पंच वधिया बना ला स्पाइसी, टमाटर खा ला गई, अदरक भी प्याज पाउणा आधा नहीं खेत बनी गेड़ा नहीं मार के आए, रोटी रुटी बना के खा के घर कट के खेत बनी गेड़ा मार के आवांगे, स्कूलों आके मैं चेंज नहीं कर, एक मैं पंजाबी कॉर्नर वास्ते वीडियो बनाई, उस तों बाद अपने घर कोई आ गया सी, एने काफी है, किन्ने पाए ने चावल बाटी मम्मा? हां जी, ये लाल दूं मैं, तुसी 2018 6 तारीख नु मम्मी मिलने जी आए ना, ए खा ले फिर तक दी खा ले, आ दे पत्तर फिर हुंदा, देखो आरे जी आ सी डेट 6 तारीख नु मम्मी ना 2018 ना, एक मैं फरवरी जी लई सी ना, हां ठीक है,2018 नवा फोन, फिर मैं काफी ज्यादा खोज बीन करी, फिर मैं पता लगा 2018 मास्टर जी कह मैंने चैनल बना लेते, इन्होंने मना करता, फिर 2019 मैं परमिशन मिल गई, 2019 मई जी मैं चैनल बना, शुरू तो आई फोन वीडियो बना लेते, हाँ जे फोन ना ही मैं चैनल स्टार्ट कर रहा, पुत हाथ धो क्या रोटी खाओ सब्जी कर मैं दोपहर भी आखन भी आखन भी है रोटी खा ली है, गुरुद्वारा साहिब रास्ता पार भी शुरू हो गया, तो मैं बर्तन साफ कर दी, मैं भी तो रेसिपी दूंगी, उस तू बाद मैं वो कर दूंगी, खेत मजा आवे, चल मनवीर कैमरा नेड़े करके तू रेसिपी दे दे,
मैं बर्तन साफ कर लिया। लो जी एक बार मैं तुम दस दिनी हाँ, यह ना गर्म पानी करके बासमती के चौल पाए ने जिन्हें तुम पाने ने पा लियो। लून पाएगा उस तो निकलते हैं लून नहीं मनवीर पाँदी हैगी चिपकन ना इस करके थोड़े सिरका पावे नींबू भी पा सकते थोड़ा जा घ्यो सिर सकते हो जो भी थानू पसंद है पा सकते हो। बस पता भी ये चिपकने नहीं है चौल आपस में बस सिर्फ एक चमच भर के पाना चमच के जिन्हें खाना खाने होने वो नहीं जो कड़छी के तौर पर वरत जिन्हें खाना खाने वो चमच पाओ। जे नहीं है तो नींबू का सत्त पा लियो या थोड़ा जा तेल घ्यो पा लो कुछ भी ते इत्थे मनवीर ने धनिया तोड़ लिया गा उहदे विच चौलां दे विच पाउण नूं ते हैगा जी नींबू इहनूं नींबू दिस गया ते नींबू भी तोड़ के लै गई क्योंकि नींबू पाउण नाल भी चौल ना खिले खिले बनदे ने ते इधर चौल ने जिहड़े उह उबलने शुरू हो गए ते बस इहनूं आपां ना 75% पकावांगे ते इधर धनिया रख्या होया हरी मिर्च ते प्याज बरीक कट्टे होए ने दो टमाटर बरीक कट्टे होए ने गाजर कट्टी होई हैगी सब्जियां तुसीं अपनी मर्जी नाल पा सकदे हो तो इधर चौल ने जिहड़े अपने उबलने शुरू हो गए तो जब तक अपने चौल उबल रहे ने जी तो इधर आप धनिया तोड़ लाँगे धनिया ऑप्शनल है जो तुम पाना तो पा लो पर ये है ना जिस तरह सब्जियां रेड कलर दियां ने चौल वाइट कलर दे हुंदे ने तो धनिया ग्रीन हो जाता ये ना अपनी जिहड़े फ्राइड राइस ने कलरफुल बनते हैं तो सोहने लगते हैं बाकी धनिया के गुण भी आ जाते हैं तो बाकी सब्जियां वगैरह कट्टियां हुई ने तो जरूर तुम अपने बच्चों को कुकिंग सिखाओ चाहे बेटा चाहे बेटी है कुकिंग सिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी है जी क्योंकि एमरजेंसी कई बार आप घर नहीं होंगे बच्चा है ना बना के खा लेंद बाकी कुड़ियों तो खास करके इन्होंने बगाने घर जाना होंगे तो खाना बना जरूर सिखा चाहिए। तो मेरे दोनों बच्चों रिपन अजे घट शौक उन्होंने सिर्फ खाने का ही शौक है क्योंकि कुछ तो वो छोटा है तो मनवीर खास करके कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है रिपन भी कुछ ना कुछ कुकिंग कर लेंदा है जिस तरह है ना अपनी वह होंगे मैकरोनी वगैरह बनाई वह बना लेंदा है गुरलीन भी हेल्प करती है नाल पर बहुत सारिया रेसिपियां ने जिहड़ी मनवीर जो मनवीर बना लेंदी है इस करके बच्चों कुकिंग करनी कुकिंग सिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लो जी हुण तुहानूं बेटी दिखा रही है चौल तो आपां तुहानूं दस्सदे आं ये देखो सिर्फ इन्हों आप 75% पकाना पूरा 100% नहीं जो तुम दब के देखोगे थोड़ी जी इन्हां च कणी रहनी चाहिए है ये देखो बिल्कुल परफेक्ट ने हूँ आप थले उतार लें तो इन्हों छाण लें तो जोड़े प्याज कट्टे ने हरी मिर्च हैगी टमाटर हो गए जी ये लाल मिर्च जो तुम स्पाइसी बनाने वह ने तो सारिया सब्जियां ने जो मनवीर दिखा रही हैगी तो चौलान तुम जाली वाला जो जाली होंगी है ना झारनी वो क्ड लियो पानी निकल जूगा थले जो तो लगता है ना चौल साढ़े ज़्यादा पक गए ने तो तुम उस पर ठंडा पानी पा लियो तो जीरा है तो नाल जिहड़ा ये दिखा रही है ये ना कश्मीरी लाल मिर्च है ये साढ़े चौलों में बहुत सोहना रंग आऊगा मनवीर ने खोल के दिखाया ता कि तुम समझो ऐ ना समझो भी चॉकलेट आई डब्बी दे विच कोई चॉकलेट पाउडर होगा। तो इधर कड़ाही रख ली है तो जब कड़ाही सुक गई आप तेल पावे लो जी कड़ाही सुक गई ये आप सरों का तेल पा रहे हैं कुछ भी तुम जो भी तुम कुकिंग ऑयल वरतते हो है ना वो पा सकते होंगे तो तेल में आप चंगी तरह गर्म होने दें सरों का तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पैंदा तो तेल अपना गर्म हो गया हूँ आप पाया जी जीरा तो जीरे का चौलों के नाल बहुत वधिया तालमेल है जीरा आप ज़्यादा पा सकते हैं तो हैगी है हरी मिर्च तो प्याज नाल ही आप पा देंगे इन चंगी तरह मिक्स कर देंगे तो इन्हों पक्कन देवे प्याज तो हरी मिर्च में थोड़ा जहा प्याज का आप रंग चेंज करा बहुत ज़्यादा भी नहीं इनू ब्राउन करना थोड़ा हल्का जहाँ पर कलर चेंज करा फिर बाकी दब्जियां पावे तो प्याज का जोड़ा रंग अपना थोड़ा जहा चेंज हो गया ज़्यादा आपू बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना हल्का जहा चेंज हो गया
लो जी इस तो बाद आपां इहदे विच पावांगे गाजरां ते जे तुहाडे कोल मटर ने मटर पा सकदे हो जे तुहाडे कोल गोभी है तो गोभी पा सकदे हो जिहड़ियां भी सब्जियां ने जदों चा अपने प्याज थोड़े ब्राउन हो जाण उस तो बाद तुसीं अपनियां इह सब्जियां पा देणियां ने ते सब्जी पाउण तो बाद इहनूं आपां फिर चंगी तरह मिक्स कर लांगे ते थोड़ा जिहा टाइम इहनूं होर आपां पक्कण देवांगे। सब्जियां अपनियां थोड़ियां जिहियां पक गईयां ने थोड़ी जी वैसे इहदे विच क्रंची सब्जी भी वधिया लगदी है जे तुसीं जवां बहुत ज़्यादा पकाउणियां ने तां पका सकदे हो। तो इस टाइम आपां इहदे विच पावांगे जी टमाटर जो आपां बरीक कट के रखे हुए ने एक दो जिन्ने भी तुसीं पाउणे ने पा सकदे होंगे। तो यह जिहड़े फ्राइड राइस ने ना बहुत ज़्यादा वधिया बनते हैं टेस्टी बहुत ज़्यादा बनते हैं तो इन्हां नूं भी आपां चंगी तरह मिक्स कर लाँगे तो थोड़ा टाइम इहनूं आपां होर पकावांगे। थोड़ा आपां टमाटर सॉफ्ट होण तक पक्कण दिंदे हां कि नाल ही अपने गाजरां सॉफ्ट हो जाणगियां ते नाल आपां इहदे विच पावांगे जी हुण मसाले। ये आपां पहला लून पाया लाल मिर्च पाई है ते नाल ही आपां इहनूं सोहणा जिहा कलर देण वास्ते कश्मीरी मिर्च पावांगे ते पहलां थोड़ी जी हरी मिर्च पाई है हरियां मिर्चां घट पाईआं ने तुहाडी मर्जी है जी क्योंकि लून मिर्च तुसीं अपने स्वाद अनुसार पाउणा जिन्ना तुसीं तिखा खांदे होंगे जिन्ना घट वध खाणा तुसीं उस हिसाब नाल पा सकदे हो ते इहनूं आपां चंगी तरह मिक्स कर लाँगे। जो थोड़ा जिहा मसालिआं नूं अपणिआं नूं सेक लग गया फिर आपां इहदे विच पावांगे जी उबले हुए चौल जो आपां उबाल के रखे ने ते चौल इहदे विच हल्के हत्थ नाल पाउणे ने देखो बिल्कुल खिले खिले चौल ने इस तरह तुहाडे चौल होने चाहीदे ने कट्ठे नहीं होने चाहीदे इह ते इहनूं आपां बिल्कुल हल्के हत्थ नाल मिक्स करांगे। तुसीं जोर जोर नाल कड़सी ना घुमायो स्पैचुला दी हैल्प दे नाल ही इहनूं मिक्स करियो नहीं अपने चौल ने जिहड़े टुट जाणगे। देखो किन्ना सोहणा चौलां दा रंग हो गया क्योंकि इहदे विच मिर्चा पाईआं ने। इहदे विच इक तुसीं गल होर ध्यान रखियो आपां इहदे विच हल्दी नहीं पाई हैगी सिर्फ मिर्च ही पाई हैगी इस गल दा तुसीं ध्यान रखियो। लो जी चौल अपने बन के तैयार हो गए तो हुण इहदे विच आपां पावांगे बरीक कट्टिया होया धनिया ते जे तुसीं स्किप करना कर दिओ जे मटर पाए होण फिर धनिया की खास जरूरत नहीं पैंदी हैगी पर इहदे नाल ना रंग बहुत सोहणा लगता है क्योंकि जी चौलां दे विच हरे नाल ना हरा रंग भी झलकण लग जांदा अखां नूं देखण नूं सोहणा लगता। तो थोड़ा जिहा टाइम आपां इहनूं ढक दांगे तो गैस आपां बंद कर दांगे ताकि भाफ़ ते जिहड़े रहिंदे ने बिल्कुल इह परफेक्ट बन जाण क्योंकि चौल भाफ़ ते वधिया बणदा हैगा। लो जी थोड़ा टाइम ये भाप ते पए रहे ते हुण अपने चौल ने जिहड़े बिल्कुल परफेक्ट ने ते आपां तुहानूं दिखाउने आंगे भी किस तरह के चौल बने ने ते फिर आपां फटाफट खा के जांदे आं खेत वल गेड़ा मारन। हैलो टेस्ट करो ऐसे स्पाइसी दा हद पार पता ताकि मिर्चा होर पा दे 5-4 चमचे ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੋਗਾ ਮਾਜ ਕੇ ਮਾਜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਖੇਤ पर उस हथों वीडियो क्लिप डिलीट हो गई। चलो जी आप अज्ज दे ब्लॉग दा एंड इत्थे ही करते हैं। मैंने पूरी उम्मीद है तुहानू ब्लॉग वधिया लग्या होना ब्लॉग वधिया लग्या लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भुलना। फिर नैक्सट ब्लॉग ना मिलते हैं तद तक दे लई सत श्री अकाल।